आरोग्य जागृति। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरे महाराष्ट्र में स्वच्छ अभियान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आज 9:30 बजे घाटी में स्वच्छ भारत अभियान और वृक्षारोपण का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, औरंगाबाद के पूर्व के आमदार अतुल सावे की उपस्थिति में। भारत को स्वच्छता भारत का अभियान सारे देश भर उन्होंने लगाया है, उसी का एक पार्ट बोल के घाटी में रोज 2000 अलग अलग पेशेंट आते हैं और उसके वजह से अब आने वाले हर पेशेंट को उनके रिश्तेदार ये इनको सबके साथ अपन पाबंदी लगाने की कोशिश तो करते हैं कि कचरा ना करे, बट जो भी कचरा होता है वो रोज के रोज साफ सफाई होनी चाहिए और सारे स्टाफ में सब में वो एक जागृति होनी चाहिए। इसलिए आज ये स्वच्छता अभियान का एक मतलब उपक्रम हमने हाथ में लिया था और वो आज शुरुआत की है। अभी रोज इसी तरह उसमें सब सहभागी होंगे। वृक्षारोपण हमारे महाराष्ट्र के वन मंत्री जो है माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार, उन्होंने 2 साल पहले साल में 2 करोड़ झाड़ लगाए थे, उसके बाद पिछले साल 4 करोड़ झाड़ लगाए थे और ये साल 13 करोड़ झाड़ लगाने का उन्होंने संकल्प किया था। उस संकल्प के माध्यम से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक रोज सारे देश भर में पूरे महाराष्ट्र में सब जगह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चालू है। वन विभाग के माध्यम से सबको 13 करोड़ झाड़ों का प्रोविजन किया गया है, जो अगले 2 महीने तक सब जगह ये झाड़ लगाने का सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस है, सारे प्राइवेट स्कूल्स है, सारे इंडस्ट्री में आप आज वालूज में जाएंगे तो देखेंगे तो सारे इंडस्ट्री वालों ने भी सब अपने अपने फैक्ट्री के सामने हर एक ने झाड़े लगाई है। चिकल थाना में जाएंगे तो वही परिस्थिति है, सारे हॉस्पिटल्स में जाओ, स्कूल्स में जाओ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में जाओ, कोई भी जहां पे भी जाएंगे उसकी वजह यह है कि पर्यावरण पे आगे अपने को मात करना है, पानी की समस्या से हटना है, तो ये सारी चीजें करना पड़ेंगी और इसलिए ये कर रहे हैं। और मुझे जो हिसाब से मैं अभी सब जगह इन्वाइट होता हूँ, मुझे गारंटी है कि सब जगह जो झाड़ लगा रहे वो अच्छे तरीके से बड़े होंगे और उसकी वजह से पर्यावरण पे हम लोग मात कर सकते। अभी कचरे का कैसा था, पहले अपन ने 9 प्रभाग किए थे, 9 प्रभाग में उसके टेंडर हुए थे, बाद में ऐसा हुआ कि मशीनरी वो छोटी मशीनरी से काम नहीं होएगा, तो अभी 4 जगह करके 4 जगह की मशीनरी लगा के 4 जगह उसका विलेवाट लगेगा, जिसकी वजह से जल्दी से जल्दी 150 टन कचरा पूरे दिन भर का उससे खत्म होएगा। अभी उसका टेंडर ऑलरेडी हो गया है, मेरे हिसाब से अगले 10-15 दिन में वो टेंडर ये होके इम्प्लीमेंट हो जाएगा और उसके लिए बुधवार को मुख्यमंत्री साहब ने भी एक मीटिंग नागपुर में लगाई है, जिसमें सारे मतलब यूडी सेक्रेटरी से लेकर सब उसमें उपस्थित रहने वाले हैं। थैंक यू।